हमारे साथ जम्मू कश्मीर उत्साह के जो मेम्बरान हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर्स हैं, मौजूद हैं। और जिस तरह से बार बार जो अमेंडमेंट की जाती है, पॉलिसीज़ में चेंजेस किए जाते हैं, उससे कई बार इन टीचर्स को काफ़ी सारी दिक्कतें का परेशानियों का जो है सामना भी करना पड़ता है। और हमारे साथ मौजूद हैं, इनके बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ दिक्कतें जो हैं, अभी कुछ समय पहले जो एक नई जो एक सर्कुलर आया है उसके तहत इनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे और काफ़ी सारी और भी परेशानियां उस पर भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि क्या कुछ दिक्कतें जो अभी कोई सर्कुलर निकला है नया, उस पर क्या कुछ परेशानियाँ आ रही हैं और उसके अलावा भी क्या कुछ है? मैं यूनुस राही, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन, एफिलेटेड विद स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया। जैसा कि आपने फरमाया कि एक सर्कुलर निकला, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर निकलता है जिसमें ये कहा गया है कि रैबरे तालीम जो ट्रांसफ़र हुए थे 2014 में, उनको अपनी ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर दोबारा भेजा जाए और वो वहाँ ही काम करेंगे। मैं आपके ज़रिए से ये कहना चाहता हूँ कि रैबरे तालीम की जो पॉलिसी है ये 2000 में आई थी। उस वक्त जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, उन्होंने ये पॉलिसी लाई। उसके बाद हम जब रेगुलराइजेशन हमारी हुई, हमने सरकार के साथ ये कई बार बात की कि हमारे खास करके फ़ीमेल जो हैं उनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी होना ज़रूरी है। तो ये हमारी स्ट्रगल जो है ये चलती रही। आखिरकार 2014 को उस वक्त के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने ये पॉलिसी, ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है ये लाई और एक सर्कुलर निकला 469, जिसमें ये कहा गया था कि रैबरे तालीम जो है आफ्टर रेगुलराइजेशन जो है उसकी ट्रांसफ़र हो सकती है। उसी आर्डर के हवाले से हमारे बहुत सारे टीचर जिनको दिक्कतें आ रही थी, जो परेशान थे, उन्होंने उस आर्डर के तहत जो है वो अपनी ट्रांसफ़र्स करवाई। जब वो ट्रांसफ़र्स हुई तो उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही काम करने वाले थे, उन्होंने उस आर्डर को स्टे लाया। ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से भी ये डायरेक्शन आई कि भाई टीचर जो है इनको ट्रांसफ़र होना चाहिए। अगर हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शन आती है और वो उसका फ़ायदा लेते हुए लोग जो है वो वहाँ काम कर रहे थे। सरकार को चाहिए था कि उस पॉलिसी को जो है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट करना था। उस वक़्त जो लोग ट्रांसफ़र हुए थे वही लोग काम कर रहे थे, उसके बाद लोगों को ट्रांसफ़र नहीं किया। तो हमने कई बार सरकार से ये कहा कि हमारे बहुत सारे लोग आज भी सफ़र कर रहे हैं। तो सरकार ने उस पॉलिसी को दरकिनार करते हुए एक और सर्कुलर निकाला जिसमें ये कहा कि रैबरे तालीम जो है वो उनको जब वो रेगुलराइज हुए थे उसके बाद ग्रेड टू और ग्रेड थ्री में उनको कन्वर्ट किया गया। तो सरकार की ये पॉलिसी आई कि जनाब आप ग्रेड टू और ग्रेड थ्री पर आप म्यूचुअली ट्रांसफ़र हो सकते हो, जो कि ये नामुमकिन था, इम्पॉसिबल था। उसके अलावा फिर सरकार ने 2022 में ये सर्कुलर निकाला कि ये ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे काम करेंगे। मैं आपके ज़रिए से ये कहना चाहता हूँ कि ख़ास करके हमारी फ़ीमेल जो हैं, जब वो उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी उनको स्पेसिफिक उस गांव में लगाया गया था जहाँ की वो रहने वाली थी, जहाँ उनकी पैदाइश हुई थी, पड़ी बली, उसी गाँव में लगाया। लेकिन सरकार, मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपने जब ऑर्डर किया था क्या आपने ये यकीनदानी भी की थी कि जिस लड़की को जिस गांव में लगाया उसकी शादी भी उसी गांव में होगी, क्या उसके लिए रिश्ता जो है वो उसी गांव में होगा? ये पॉसिबल नहीं था। ऐसा हुआ कि हमारी वो जो बहनें हैं उनकी शादियाँ एक गांव से दूसरे गांव में हुई, एक जोन से दूसरी जोन में हुई, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुई, तो उनके घरों में परेशानी आना शुरू हो गई। उसका सिलसिला ये है कि वो घर को देखें, वो अपने स्कूल को देखें, अपने बच्चों को देखें, अपने ससुराल वालों को देखें। इसलिए सरकार को इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोई ठोस ट्रांसफ़र पॉलिसी लानी चाहिए थी। अलबत्ता जो लोग इससे फ़ायदेमंद थे, जिनके घर जो है सफ़र नहीं कर रहे थे, जो लोग इसका फ़ायदा ले रहे थे, सरकार ने उनको भी वापस भेज दिया, ख़ास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने। मैं आपके ज़रिए से एलजी साहब से ये गुजारिश करता हूँ, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इन रेगुलराइज्ड आरईटी के लिए एक ठोस पॉलिसी लाई जाए ताकि ये भी ट्रांसफ़र हो सके, जैसा 2014 में जो ऑर्डर हुआ था उसी को आगे बढ़ाते हुए। इसके अलावा एटीडी 2022 का जो पटारा है ये फरवरी 2022 को खुला था, ऑनलाइन एप्लीकेशन ली थी, अभी तक वो पटारा बंद नहीं हो रहा है। हमारे टीचर जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, एक जगह पर 2017 से, 2016 से, 2015 से काम कर रहे हैं, जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, अभी तक उनको ट्रांसफ़र नहीं किया गया।
हमारे मास्टर्स जो हैं उनको ट्रांसफ़र नहीं किया गया, ATD की जो लिस्ट है वो आउट हुई थी उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ये कब होगी, ये पटारा कब बंद होगा। और कुछ लोग जो है जब इन्होंने ATD जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए से जो है हमारे उस वक्त हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने हमारे साथ ये बात कही थी कि हम जो हैं ट्रांसफ़र्स को कंप्यूटर के हवाले करने जा रहे हैं, लेकिन उनमें भी हमें शक है क्योंकि बहुत सारे लोगों को 0 किलोमीटर पर लगाया गया है, बहुत सारे लोगों को सिटी टू सिटी लगाया गया है। कंप्यूटर में ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो रखा गया है जिसमें गांव वाला जो है उसको उस गांव से उठा के और 20-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर लगाया है, और एक बंदा जो है एक स्कूल में ही ट्रांसफ़र किया गया, जहाँ एक स्कूल से उठा के दूसरा स्कूल जो है वो 0 किलोमीटर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर है, वहाँ उसको ट्रांसफ़र किया गया। हम किसी टीचर के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो मैं फिर आपके ज़रिए से चीफ सेक्रेटरी साहब से और LG साहब से गुजारिश करता हूं कि आप पर्सनली इसमें मुदाखलत करें और टीचर जो हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इसकी जो ट्रांसफ़र इंडस्ट्री है इससे बचाया जाए। सर आपका नाम जाना? मैं प्रदीप सिंह जम्बाल, वर्किंग प्रेसिडेंट J&K यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन एसोसिएटेड विद स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया। जिस तरह से यूनुस भाई ने बताई सारी समस्याएं, क्या डिपार्टमेंट को इन समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं है या आपने उनको इसके बारे में जानकारी दी नहीं है? नहीं, जे डिपार्टमेंट को इसके बारे में जानकारी है, बिल्कुल है इसके बारे में जानकारी, ये आज की बात नहीं है। हमने बहुत बार जो है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और इनको मेमोरेंडम दे के और जो ऊपर वाले ऑफिसरान हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं चीफ सेक्रेटरी हैं इन लोगों को हमने मेमोरेंडम और दूसरे माध्यम से है अवगत कराया है। इनको हमने पहले बताया है कि जो रेगुलराइज RRET टीचर है, स्पेशली हमारे पास जो है मोर देन 60% जो है फीमेल टीचर हैं, और जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर यूनुस राही ने कहा कि जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी तब तो ये था कि ये विलेज बेस के ऊपर या पंचायत बेस के ऊपर हुई थी, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि क्या उस वक्त डिपार्टमेंट ने ये भी यकीनदानी की थी कि जिस लड़की की हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं उस लड़की की शादी जो है उसी गांव के अंदर होगी। आप जहां के रहने वाले हैं आपको ये पता है कि हमारा जो कल्चर हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं है। हमारे जो रेगुलराइज RRET हैं स्पेशली फीमेल, बहुत सारी तो ऐसी हैं जिनकी मैरिड लाइफ या ग्रस्त जीवन जो है वो टूटने के कगार पे आ गया है। उसका रीज़न ये है कि ऐसे लोग पुंछ में भी, हमारे लोगों की शादियां पुंछ में भी होती हैं, रजौरी में भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़की जो है अगर वो जहाँ की रहने वाली है, जहाँ की लोकल रहने वाली है, और उसकी अपॉइंटमेंट होने के 3 या 4 साल बाद जो है उसकी शादी जो है पुंछ में हो जाती है या रजौरी में हो जाती है, और उसके ऊपर जो है आप ये लॉजिक दे रहे हैं कि RET की जो अपॉइंटमेंट के टाइम को जो नॉर्म्स है या रूल्स हैं वो ये हैं कि RET की ट्रांसफ़र नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑर्डर जो हैं वो रिवोक होते हैं, आपने देखा है 2-3 साल के अंदर जम्मू हमारे J&K में बहुत सारे जो हैं ऑर्डर्स जो हैं रिवोक हुए हैं। आप बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को जानते हैं। इस वक्त समय की डिमांड क्या है, मेन चीज़ ये है कि इस वक्त जो है अगर हम उन टीचर्स को जो है ये ऑर्डर कर देते हैं कि हाँ जी एक जो पुंछ की लड़की है जिसकी शादी जो है जम्मू में हुई है और उसका हस्बैंड जम्मू का रहने वाला है, वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, पुंछ वाली लड़की पुंछ में रहे, जम्मू वाला जम्मू में रहे, ठीक है। इसलिए हमारी जो गुजारिश है, दूसरी बात मैं एक मेन चीज़ जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि रूल वायलेशन होते हैं RET के, जो इन्होंने बताया जो गवर्नमेंट का वर्जन है जो डिपार्टमेंट का वर्जन है वो ये है कि 2019 के बाद जो है एक क्लाज है जिसमें ये लिखा हुआ है कि इनको जब हम Grade 2 और Grade 3 में जो है कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये जनरल लाइन टीचर जो है कंसिडर किए जाएंगे, लेकिन ट्रांसफ़र के मसले में ये चीज़ उसमें मेंशन की है कि इनकी ट्रांसफ़र नहीं होगी। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या सिक्योरिटी बेसिस के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होती? आपने अभी चंद दिन पहले देखा हुआ है जो हमारे कुलगाम में एक जो है टीचर ही हमारे साथ जो एक हादसा पेश आया, ठीक है, उसने अप्लाई कर रखा था सिक्योरिटी बेस के ऊपर लेकिन उसको जो है ट्रांसफ़र नहीं किया गया, लिहाजा उसका रिजल्ट जो है आप सामने। मैं किसी के ऊपर जो है कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा, मैं किसी की पॉलिसी के ऊपर नीयत के ऊपर या नीति के ऊपर जो है सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त समय की जो डिमांड है स्पेशली हमारी जो फीमेल टीचर्स हैं इनको जो है इनके फेवर में जो है एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए और साथ में जो है सिक्योरिटी रीजंस और जो मेडिकल कंडीशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए और स्पेशली जो है
जो मैरिड फीमेल वूमन है इनको ध्यान में रखते हुए इन रेगुलराइज RRET टीचर को ग्रेड सेकंड या ग्रेड थर्ड टीचर को ट्रांसफ़र के दायरे में लाना चाहिए और इनके लिए एक सशक्त पॉलिसी बनानी चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले जो है हमने जो है मैंने थोड़े दिन पहले जो है चीफ सेक्रेटरी साहब का जो है स्टेटमेंट देखा है जिसमें उन्होंने ये चीज़ लिखी हुई है कि हम विद इन मंथ या दो मंथ के अंदर हम एक ऐसी ट्रांसफ़र पॉलिसी लाने वाले हैं जो RR टीचर के लिए जो है बेनिफिशियल होगी। बट हमारा ये कहना है कि जब तक ये पॉलिसी वजूद में नहीं आती, ये फ्लोर के ऊपर फ्लोट नहीं होती, तब तक जो है कोई अल्टरनेटिव जो है किया जाए या कोई वैकल्पिक व्यवस्था का जो है प्रावधान किया जाए। इसी के साथ सिर्फ महिलाओं को ही दिक्कत है या पुरुषों को भी इसमें दिक्कत है और आम जनता पे, पेरेंट्स पे, स्टूडेंट्स पे इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि ट्रांसफ़र एक ज़रूरी हिस्सा है ज़िंदगी का। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होगी, नए लोग आएंगे, नए लोगों से मिलना होगा, नए टीचर्स होंगे, तो कैसे देखते हैं? मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि इसमें जो है महिलाओं को ही दिक्कत है या पुरुष को ही दिक्कत है। मैंने पहले आपको बताया कि हमारा जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, हमारे सामाजिक स्ट्रक्चर में पुरुष से शादी होने के बाद जो है घर जुवाई नहीं जाता, होंगे कोई एक आधा केस होगा, नहीं होगा, लेकिन महिला को शादी होने के बाद जो है अपने ससुराल में आना पड़ता है। अभी मैं पुरुष हूँ, सपोज मेरी जो है अगर RET अपॉइंटमेंट हुई है तो मैं तो अपने गांव में हूँ, मैं अपने गांव में ही रहूँगा, चाहे मेरी शादी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो गाँव में रहने वाला। प्रॉब्लम स्पेशली फीमेल टीचर को आ रही है कि फीमेल टीचर को डिस्प्लेस होना पड़ता है। पॉलिसी बनेगी तो वो तो मेल फीमेल दोनों के लिए बनेगी। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जबकि पॉलिसी बनेगी वो मेल, हमारा कहने का मतलब ये है और जैसा आपका क्वेश्चन था कि स्पेशली इसमें जो है मेल सफ़र हो रहे हैं या फीमेल सफ़र हो रही हैं, तो हमारा ये वर्जन है कि जो फीमेल हैं वो ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं, इसलिए जो है इनको ध्यान में रखते हुए इस रेगुलराइज RRET टीचर जिसको इन्होंने आजकल ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड का नाम दिया हुआ है, इसको जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंदर लाया चाहिए और इनके लिए एक सशक्त और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी जो है वो बननी चाहिए। आम जनता, स्टूडेंट्स उस पे कैसे? नेचुरली ये अंडरस्टूड है सर, देखो अगर एक RET टीचर जो है आपने लगाया हुआ है, जनता जो है, जो टीचर जो है ये भी तो एक जनता का ही पार्ट है ना। अगर आप सपोज जहाँ पर किसी लड़की को, वो भी तो जनता का पार्ट है, जहाँ से आप उसको जो है डिसलोकेट कर देते हो, जहाँ से आप उसको ट्रांसफ़र कर देते हो या जिस स्कूल में वो लगी हुई है, सर ये जो 2000 में पॉलिसी लाई गई थी, जब RRET टीचर की पॉलिसी लाई गई थी, इसके पीछे लॉजिक ये था कि जो रूरल एरियाज़ के अंदर स्कूल हैं उनको जो स्ट्रेंथन किया जाए, ग्रास रूट के ऊपर जो है स्कूल को स्ट्रेंथन किया जाए। इसके पीछे भी एक और रीज़न था, वो रीज़न ये था कि J&K के अंदर मिलिटेंसी के दौर के अंदर बहुत सारे स्कूल बंद हो चुके थे और जो दूर दराज के इलाकों में स्कूल थे वहाँ पर कोई भी जाना नहीं चाहता था, स्पेशली जो है ये दूसरे कैडर की बात करते हैं। RET स्कीम जब से लॉन्च हुई है, जब से RET टीचर जो है वजूद में आए हैं, हमने ये देखा है कि इनके साथ हमेशा जो है डिस्क्रिमिनेशन होती आई है। कभी उसके टेस्ट के नाम के ऊपर, हमारे एक एक्स एजुकेशन मिनिस्टर थे उनके बारे में जानते हैं, वो नाम नहीं लूँगा मैं, नाम आप लेंगे, उन्होंने एक ये पॉलिसी निकाल दी थी कि हाँ जी RRET टीचर ना। इससे भी बड़ी बात जो जिस स्टेटमेंट में हवाला दे रहा था आपको कि ये लिखा गया है जिसके अंदर कि हम एक या डेढ़ महीने के अंदर है ऐसी जो है एक ट्रांसफ़र पॉलिसी ला रहे हैं, उसमें एक पॉइंट में ये भी लिखा गया है कि जो रैबरे तालीम टीचर हैं ये इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो विलेज बेस के ऊपर या पंचायत बेस के ऊपर हुई है, लिहाजा इनके लिए इतना कंपटीशन नहीं था। दूसरे शब्दों में इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि RRET टीचर की क्वालिफिकेशन वो ज़्यादा नहीं है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब जब पॉलिसी लॉन्च हुई थी उस वक्त जो है इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 12th थी, वो तो जनरल लाइन के लिए भी 12th थी उस टाइम पर। उसके बाद मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि 60% से ज़्यादा हमारे जो RRET टीचर्स हैं दे आर हाईली क्वालिफाइड, मोर देन 60% टीचर्स जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं और प्रोफेशनल डिग्रीज उनके पास है, इवन के PhD टीचर्स आर देयर। इसलिए ये बात कहना कि इनका कंपटीशन नहीं था, ये विलेज बेस के ऊपर अपॉइंटमेंट हो गई या इनकी जो है पंचायत लेवल के ऊपर अपॉइंटमेंट हो गई, लिहाजा जो है इनको हम जो है उसी जगह पर रखेंगे एक सजा के तौर के ऊपर कि इनकी ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। हमारी LG साहब से और हमारी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर एजुकेशन, जो भी इससे जो है संबंधित है, हमारी जो इनसे रिक्वेस्ट है, देखो हमारी
जो जे एंड के यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन है, इसकी भाषा इस तरीके की नहीं है कि हम ये बोलेंगे कि हाँ जी हम वार्निंग देते हैं, हम थ्रेट देते हैं, हम सड़कों के ऊपर आ जाएंगे, हम ऐसा। यूनिटी और स्ट्रगल जो है हमारा एक मेन मोटिव है। अगर ये ट्रांसफ़र पॉलिसी वजूद में नहीं आती है तो हमारा जो है संघर्ष इसके लिए जो है जारी रहेगा। आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम कांता जम्वाल है, मैं चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन की। तो आज हम यहाँ आपके माध्यम से, जैसे कि बहुत कुछ राही सर ने और प्रदीप सर ने बता दिया है आरई रेगुलराइज आरईटी टीचर्स के लिए, तो मैं WTNF वुमेन टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया की मेंबर भी हूँ। तो उसके मैंने वुमेन टीचर के फेवर में ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि उनकी मैरिज बेस पे, उनके मेडिकल ग्राउंड पे उनकी ट्रांसफ़र होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सफ़र कर रही हैं, बहुत ही फीमेल टीचर बहुत सफ़र कर रही हैं। कुछ पुंछ इधर की शादी जम्मू की है, उनकी पुंछ में या रजौरी में, वहाँ से आ रही हैं, बच्चे वहाँ छोड़े हैं, इन लॉज वाले वहाँ छोड़े हैं, बच्चों को यहाँ लेकर आ रही हैं, उनका यहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं है, किसी के भरोसे छोड़ नहीं सकते हैं। सो सब दाव पे लगा है, बच्चे अपनी लाइफ भी, और जब हमें मेंटल पीस नहीं है हम स्कूल में अपना 100% कैसे दे पाएंगे। बच्चों के साथ इनजस्टिस, स्कूल बच्चों के साथ, लोकल लोगों के साथ इनजस्टिस। सो मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस मैटर को देखा जाए, जहाँ पर ट्रांसफ़र की संभावना हो करनी चाहिए फीमेल टीचर की, खास करके अगर मेल को ज़रूरत है तो, नहीं तो पॉलिसी तो सबके लिए बनेगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैरिज ग्राउंड पे और मेडिकल ग्राउंड पे ये सरकार को देखना चाहिए। दूसरा, मैं अभी एक ऑर्डर निकला है कि सभी स्कूल्स में जो है वो बायोमेट्रिक होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, एक पंक्चुअलिटी चेक होती है, एक मतलब सिस्टम के तहत सब चलता है, लेकिन सरकार से ये भी रिक्वेस्ट है कि उस बायोमेट्रिक को इंस्टॉल भी करें पहले स्कूल्स में। ये टीचर्स के ऊपर प्रेशर मत डालें कि आप खुद खरीदें अपने पैसों से और खुद आप इंस्टॉल करें, तो जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होना चाहिए, बायोमेट्रिक सभी स्कूल्स में होनी चाहिए, लेकिन इनिशिएटर लेना चाहिए, स्कूल्स में इंस्टॉल करनी चाहिए। अगर टीचर ने खरीदनी भी है तो उसके लिए टीचर को पहले फंड्स देने चाहिए, ताकि वो उस फंड से आराम से उसको खर्च करके वो अपने स्कूल में उसको लगा सके। तीसरी, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि प्लांटेशन ड्राइव हर साल चलती है, हमारी हर साल चलती है, लेकिन आपको भी पता है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें बाउंड्री वॉल नहीं है, 20-20 पौधे दे दिए जाते हैं, जैसे मेरे स्कूल को भी 20 मिले हैं, लेकिन मेरा GPS कूतलाब है, तो वो मेरे स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है। सो हम हर साल 20 पौधे लगाते हैं, हर साल उनको बच्चों की तरह पालते हैं, और हर साल बकरियां और वो गायें खा जाती हैं। सो उसका कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा दुख होता है, हमें बच्चों की तरह हम पालते हैं, उनको पानी, छुट्टियों में भी जाके उनको पानी देते हैं। सो बड़ा बुरा लगता है जब बकरियां आके घुस के खा जाती। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप 20 की बजाय हमें 5 ट्री गार्ड भी दे दो, कम से कम हमारे 5 पौधे तो बचेंगे, सेफ हो जाएंगे ना। सो अच्छा है, हमारे हम बड़ी कोशिश करते हैं, हम खुद बनाते हैं ट्री गार्ड, लेकिन बकरियां उसके भी अंदर से निकल जाती हैं, चलन लगाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके अंदर से भी घुस के जो है वो खा जाती हैं, और फिर जब हम देखते हैं तो हमें बड़ा बुरा लगता है। सो अगर प्लांटेशन ड्राइव है बहुत अच्छी बात है, उसके साथ अगर ट्री गार्ड भी दे दिया जाए तो वो और भी अच्छी बात है। आपके पास आना चाहूँगा, आपने बीच में कहा कि अभी कुछ दिन पहले ट्रांसफ़रें हुई थी और 0 किलोमीटर्स पे 1 किलोमीटर के अंदर कुछ लोगों की ट्रांसफ़र, कुछ लोग जहाँ पे थे गांव में थे उससे भी और दूर चले गए, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है या सिस्टम में कुछ कमी है? देखिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने जब हम उनसे मिले थे, उन्होंने हमें बड़ी यकीनदानी कराई थी कि हम सिस्टम को ठीक करेंगे, इस पर ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, लेकिन वो सिस्टम अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा है। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, सिस्टम ठीक नहीं कर हो पा रहा है। इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्या चीज़ हो रही है, हम चाहते हैं कि इसकी भी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ये क्यों नहीं हो रहा है ठीक? अगर एक टीचर जो है उसको 0 किलोमीटर पे आप लगाते हो, उसको सिटी टू सिटी ट्रांसफ़र करते हो, दूसरा जो गांव का टीचर जो है वो इस आस में बैठा हुआ है कि मुझे भी नज़दीक कहीं लगाया जाएगा, उसको वहां से उठा के आप 20-30 किलोमीटर और दूर लगाते हो, तो सिस्टम ठीक नहीं हो रहा है। जहाँ उनके लिए सिटी के जो स्कूल हैं वहाँ आप अगर वो चॉइस भी देते हैं तो सिटी वाले स्कूल में आप दूसरे किसी साथी को लगा देते हो और उसको कहीं दूर लगाते हो।
इसके अलावा मैं मज़ीद एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, इस वक्त हमारे स्कूलों में जैसे ये बारिश का मौसम है, बरसात है, बारिशें हो रही हैं, बहुत सारे स्कूलों में जो है वो दीवारें जो हैं वो उनमें क्रैक्स आ गए हैं या दीवारें बैठ गई हैं। हम आपके ज़रिए से सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आपके पास समग्र शिक्षा अभियान में एक इंजीनियरिंग विंग है, वहाँ पर हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या उनके जेईज वगैरह जो है वो बैठते हैं, उनकी एक टीम बनाई जाए और हर स्कूल को जो है वो असेस किया जाए कि कहाँ रिनोवेट करने की ज़रूरत है, कहाँ रिपेयर करने की ज़रूरत है, या कुछ बिल्डिंग्स वो अनसेफ करने की ज़रूरत है कि क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं उनमें अंदर पानी जो है वो टपक रहा है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। जैसा हमारी मैम ने फरमाया, बहुत सारे स्कूलों में चार दीवारियाँ करने की ज़रूरत है और बायोमेट्रिक का जो सिलसिला है ये हम क्लियर करना चाहते हैं कि हमारा कोई भी टीचर जो है वो अपनी जेब से बायोमेट्रिक जो है वो इंस्टॉल नहीं करेगा। सरकार अगर चाहती है कि बायोमेट्रिक लगानी है तो सरकार उसके लिए फंड्स जो है वो मुहैया करे, और अगर सरकार फंड्स मुहैया नहीं करेगी तो हमारे स्कूलों में वो बायोमेट्रिक नहीं लग सकती, क्योंकि पिछले दिनों हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से मैसेज बाय मैसेज ग्रुप्स में मैसेज जो हैं वो ये आ रहे हैं कि अगर आपने बायोमेट्रिक इंस्टॉल नहीं की तो आपकी जुलाई की सैलरी जो है वो विदेल्ड होगी। हमारे स्कूलों में फंड्स ही नहीं है, सो अब प्राइमरी स्कूल जो है वो 18,000 रुपये की बायोमेट्रिक कहाँ से खरीदेगा, या 7,000 की बायोमेट्रिक कहाँ से खरीदेगा, या उससे छोटी जो है 3,500 की भी बायोमेट्रिक जो है वो खरीदनी है, उसके लिए फ़ोन कहाँ से लेगा और वो फ़ोन जो है वो स्कूल में कैसे। तो ये चीज़ें जो है ये अगर सरकार चाहती है कि सिस्टम को ठीक करना है तो उसके लिए सरकार के पास ख़जाने में कोई कमी नहीं है, सरकार वहाँ से ख़जाना जो है वो जारी करे, और स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है, उस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके अलावा जैसा कि हमारे सर ने फरमाया, हमारे मैम ने फरमाया, एजुकेशन सेक्टर में DPC जो है वो टीचर टू मास्टर 2013 में भी हुई और 2014 में हुई, उसके बाद अभी तक कोई DPC नहीं हुई, ऐसा क्यों? सर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वहाँ हम देखते हैं कि आप एग्ज़ाम लेते हो, वहाँ पे आपका ACC होता है, SSC पार्ट वन होता है, SSC पार्ट सेकंड होता है। इसी तरह से हमने कई बार ये डिमांड करी कि एजुकेशन सेक्टर में भी एग्ज़ाम होना चाहिए, आप साल में दो बार एग्ज़ाम लें, जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनको प्रमोशन दीजिए, DPC कीजिए और साथ में रेगुलराइजेशन कीजिए। हमारे साथ के लोग जो है वो अपॉइंट हुए थे, वो दूसरे महकमे में काम कर रहे हैं, वहाँ उनको हायर ग्रेड मिले हैं, उनको अच्छी अच्छी पोस्टें मिली हैं, उनका रैंक जो है वो अप हुआ है, हम जब अपॉइंट हुए थे वही हैं और मुझे लगता है कि हमने रिटायर भी इसी पोस्ट से होना है, इसलिए इस सेक्टर में ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे LG साहब जो है वो एजुकेशन सेक्टर की तरफ खास तवज्जा जो है वो देंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर उस्ता के जो सदस्य हैं और जो टीचर्स को आ रही परेशानियां हैं उससे कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से जो है एडमिनिस्ट्रेशन को अवगत करा रहे थे। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं फज़ल मडैंग कैमरामैन शाहनवाज के साथ।